मैं मिराज खान और इस वक्त मौजूद हूँ जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत उदा हाट के बर्दिया पुल पर, जहाँ कल एक बड़ा हादसा हुआ है। इस पुल के बारे में बता दूं कि यह पुल काफ़ी जर्जर था, जो लोहे का पुल था, और कल इस पर अचानक ट्रैक्टर चढ़ने की वजह से ये पुल ध्वस्त हो गया। हालांकि अब तक यहां से एक भी बॉडी नहीं निकाली गई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो पुल जिस वक्त ध्वस्त हुआ, उस वक्त पुल पर ट्रैक्टर और दो ऑटो के साथ चार पांच बाइक सवार मौजूद थे, जो कि पुल ध्वस्त होते समय सारे लोग जो है वो नदी में समा गए। लेकिन बता दूं कि पिछले कल 3 बजे की यह घटना है और आज अब तक NDRF की टीम यहां पर लगी हुई है, लेकिन अब तक यहां पर एक भी लोगों का जो है वो नहीं निकाला जा सका है बॉडी को। लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार खोजा जा रहा है। जो पुल का मलबा है, वो उसी जगह पर गिरा हुआ है जहां पर लोग फंसे हुए हैं। NDRF की टीम पहुंची है, लेकिन यहां पर पर्याप्त साधन नहीं रहने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, जिस वजह से अब तक किसी को निकाला नहीं जा सका है। और जो ग्रामीण की बात करूँ तो यहाँ ग्रामीण अत्यधिक संख्या में मौजूद हैं, जो कल से ही इस मामले को लेकर के यहाँ पे कहा जा रहा था कि NDRF की टीम आ रही है। जो NDRF की टीम रात में आई, रात में आने के कारण यहाँ पर अंधेरा हो गया था और राहत बचाव का कार्य शुरू नहीं हुआ। सुबह से NDRF की टीम लगी हुई है, लेकिन अब तक उन्हें कोई किसी भी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिली है। स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं। अररिया के जो जोकीहाट विधायक हैं शहनवाज आलम, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका भी यही आरोप था कि जो पुल क्षतिग्रस्त था, इस पर कैसे ओवरलोडेड वाहन जा रही थी, जबकि इसके जस्ट बगल में, मैं दिखा दूं इधर अपने कैमरामैन को कहेंगे दिखाने के लिए कि यहाँ पे एक पुल बन रहा है जो अर्धनिर्मित पुल है। अगर ये पुल सही समय पर निर्माण हो गया होता तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं हुई होती। इस पुल का शिलान्यास आज से तकरीबन 2.5 साल पहले अररिया के जो पूर्व सांसद हुआ करते थे, उस समय के वर्तमान सांसद सरफराज आलम, जो इसी क्षेत्र से विधायक रहे हैं, उन्होंने ही इसका शिलान्यास किया था आज से तकरीबन 2.5 साल पहले। 2.5 साल में एक पुल का निर्माण नहीं हो पाया, जिसका देन है कि आज यहाँ पर कई लोगों की मौत हुई है, जिसका अब तक कोई आंकड़ा भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लगातार कोशिशें की जा रही है कि जो लोग इसमें डूबे हैं उनको निकाला जा सके, लेकिन एक उम्मीद से ख़त्म हो गई है कि जो लोग डूबे हैं वो उन्हें ज़िंदा नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि तकरीबन 18 घंटे का वक्त बीत चुका है और 18 घंटे जो लोग पानी में डूबे हुए हैं उनको अब ज़िंदा निकालने की कोई भी उम्मीद नहीं है। इसलिए NDRF की टीम भी यहाँ पर है और क्रेन मंगाया गया है, जो ट्रैक्टर डूबा है, जो टेम्पू डूबा है, उसे निकालने के लिए क्रेन भी प्रशासन के द्वारा मंगाया गया है और जल्द ही कोशिश की जा रही है कि उन तमाम लोगों को वहाँ से निकाला जाए। अररिया के जोकीहाट से खबर सीमांचल के लिए, मैं मिराज खान।